हेलो, वेलकम टू एग्री टाइम, लर्न एग्रीकल्चर विद मी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं MPPAT एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म डेट, एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो MPPAT की प्रिपरेशन है वो आप फ्री में कर सको। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन फॉर्म और एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो मैं बिना प्रूफ के तो कोई वीडियो बनाता नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे जो MPPAT के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि MPPAT का एग्ज़ाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ किया जाएगा, कब से हम आवेदन कर सकते हैं, ऐसे करके। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, आप गूगल में आइएगा, सर्च कीजिएगा PEB, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट जो है व्यापम की, वो यहाँ पे ओपन हो गई है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है इनकी तरफ से MPPAT के लिए, PAT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो पिछला जो इन्होंने अपडेट दिया था या शेड्यूल जो जारी किया गया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये MP व्यापम ने पिछला जो शेड्यूल जारी किया था सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ये वही शेड्यूल वाला नोटिस है। तो यहाँ पे देखिए, 6 नंबर पे लिखा है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट PAT 2020 एंट्रेंस टेस्ट कब होगा। सो ये 28 जून को होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं है ये, और आगे बढ़ा दिया गया है डेट को। तो अभी जो MPPAT का एग्ज़ाम डेट है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। व्यापम जब तक निर्देश नहीं देता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें कि कब रिलीज़ किया जाएगा, सो मार्च में आ जाती थी, ठीक है, मार्च के फर्स्ट में या लास्ट में, लेकिन उसमें बहुत लेट है अभी। अगर मेरी माने आप, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा वो करूँगा जून को, जून के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाना चाहिए, और आ ही जाएगा। लेकिन मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, एकदम कंफर्म नहीं है कि वो जून ही में आ जाएगा, और जून में आएगा ये तो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जून तक ज़रूर आ जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो। यहाँ पे कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले करके रखना है। सो क्या क्या करके रखना है, सबसे पहली बात, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तब की स्थिति में आप अपना जो MPPAT फॉर्म है उसको फिलअप कर पाओगे। और ये 100% सही है, जब तक आपका जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तब तक PAT का जो जो रजिस्ट्रेशन है वो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी आप या कभी भी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, आप अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आधार कार्ड से अटैच कराइए, अगर नहीं है तो, लिंक नहीं है तो कराइए उसको, ठीक है, तभी आपके में मैसेज आएगा और रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ MPPAT के बारे में। और देखो, मैं विदाउट प्रूफ की वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन कमेंट आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स की, इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर जो भी मैं अभी इंफॉर्मेशन दिया वो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।